नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक में दोस्तों यहाँ पर हम लोग सामान्य अध्ययन का टेस्ट लगाने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन हैं और अगर आप नए हैं और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को दबा लेना ताकि जितने भी वीडियो हम डालते जाएँ आपके पास तुरंत आते जाएँ और आप उसका रिविजन फास्ट करते जाएँ तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन है लाल त्रिकोण प्रतीक है तो लाल त्रिकोण आपने कई बार पढ़ा भी होगा तो इसका जवाब क्या होगा सी नंबर परिवार नियोजन के लिए आपका लाल त्रिकोण प्रयुक्त किया जाता है वहीं पर इस समय क्वेश्चन आपके जो कि यातायात जो खतरे होते हैं उनके लिए लाल बत्ती का प्रयोग करते हैं और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है सिंग फ्राइड रेखा किन दो देशों के बीच में तो नाम देखो इसका परिवर्तन है लेकिन बहुत देखा जाए तो ठीक है सिंग फ्राई रेखा किन दो देशों के बीच में है जवाब आपका होगा यहाँ पर सी नंबर अर्थात आपका है जर्मनी और फ्रांस के बीच में ठीक है जर्मनी और फ्रांस के बीच में आपकी सिंह फ्राइड रेखा जाती है और भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो कि डूरन रेखा है लेकिन डूरन रेखा वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की विभाजन रेखा है ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आपसे पूछा है जीवन रक्षा पदक किस क्षेत्र में दिए जाते हैं तो जीवन रक्षा पदक आपके जो दिए जाते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा होगा तो शत्रु के समक्ष अद्वितीय सौर प्रदर्शन के लिए यह भी तो नहीं होगा सैनिकों के लिए भी नहीं होगा शांति नियोजन भी नहीं होगा डी नंबर आपका है किसी को डूबने कमा आग से बुझाने आग से बचाने या बहादुरी द्वारा जान बचाने के लिए यहाँ पर जीवन रक्षा पदक दिए जाते हैं आपका डी नंबर सही हो जाएगा ठीक है ओके डी नंबर आपका सही होगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है की ग्रह रक्षक दल अर्थात यहाँ पर होम गार्ड की स्थापना कब की गई थी तो ग्रह रक्षक दल होम गार्ड की जो स्थापना की गई थी तो आपका जवाब होगा सी नंबर अर्थात उन्नीस में की गई थी ठीक है उन्नीस में की गई थी यहीं पर अगर बात करें उन्नीस में तो चाइना युद्ध भी हमारा इसी समय हुआ था उन्नीस में हुआ था ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं तो यहाँ पर जवाब आपका सही होगा बी नंबर अर्थात बाईस अप्रैल को मनाते हैं ठीक है प्रतिवी दिवस कब मनाते हैं बाईस अप्रैल को मानते हैं और पाँच जून को क्या मनाते हैं पर्यावरण मनाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मीनाबकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है तो देखो आपको ये जो हवाई अड्डे भी चेंज हुए हैं नाम इस वजह से आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके बारे में तो मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि आपका है यहाँ पर चेन्नई में कहाँ पर है चेन्नई में आपका मीनाम्बकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ठीक है और को, जो कोलकाता में है तो कोलकाता कौ, में कौन होगा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आपके कहाँ पर है यहाँ पर है मुंबई में कौन सा है तो छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल आपका कहाँ पर है यहीं पर मुंबई में है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेलूर किस महान पुरुष से जो संबंध स्थान है बेलूर तो बेलूर किस महापुरुष से संबंधित है आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा आठ का भी अर्थात यहाँ पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस से संबंधित आपका बेलूर है ठीक है बेलूर है यहीं पर आपका महावीर प्रसाद महावीर जी हैं तो इनका जो हुआ था ठीक है महावीर से संबंधित क्वेश्चन आपसे बनते हैं महात्मा बुद्ध से भी होते हैं तो आपको इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है कि महावीर का जन्म कब हुआ था मृत्यु कब हुई थी इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी की तीसवें तेईसवें तीर्थ कर का उन्हें चौबीसवें ऐसे क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन बनते हैं तो उन्हें चार क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक सोचा करिए कि नहीं इसके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं तभी जी आपकी स्टार्ट होती है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो वीटो का अधिकार प्राप्त है अर्थात तो वीटो पावर जो प्राप्त है वो पांच जो कि उनके सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं व इनको उनको क्या कर सकते हैं कि उनको वीटो प्राप्त है आपका ठीक है तो पांच नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ये आपके संयुक्त राष्ट्र में जो कि पंद्रह सदस्य होते हैं उनमें से पंद्रह सदस्य में पांच होते हैं जो, जो स्थायी सदन और दस अस्थाई होते हैं तो स्थाई जितने भी होते हैं उनको आपको वीटो प्राप्त होता है अगला है एपेक ठीक है एपेक अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि एशिया पैसिफिक और इकोनॉमिक जो कि कह सकते हैं कि एक संगठन है एपेक का है और इसका मुख्यालय पूछा गया है एपैक का ठीक है तो एपेक का मुख्यालय आपका कहाँ है जवाब आपका होना चाहिए सी नंबर अर्थात ये पर सिंगापुर है ठीक है कहाँ पर है सिंगापुर आपका एपेक का मुख्यालय है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले या किसके द्वारा प्रसिद्ध वचन है ये किसने कहा था भाई तो आपका जवाब होगा यहाँ पर ग्यारह नंबर गांधी जी ने यह कहा था कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी किंतु जवाब में हमें क्या मिला पत्थर कब बोला था जब आपका जलिया वाला बाग का कांड हुआ था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कश्मीर के मारतंड मंदिर अर्थात सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था जो कश्मीर का सूर्य मंदिर है वो कराया गया था आपका जो जवाब होगा आपका ललितादित्य मुक्तापीठ ठीक है ललितादित्य मुक्ता द्वीप पीठ के द्वारा यहाँ पर सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जलियावाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था तो जलियावाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय आपका था यहाँ पर लॉर्ड चेम्स बोर्ड ठीक है लॉर्ड चेम्स बोर्ड इस समय थे ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है तो अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय यहाँ पर चौदह का सही जवाब होगा बी नंबर अर्थात यहाँ पर होगा प्रतियोगी प्रतियोगिता की उपस्थिति ठीक है क्या कह सकते हैं कि प्रतियोगिता की उपस्थिति जो क्रय विक्रय होता है या कुछ होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है जो लोग होते हैं तो वो उपस्थित होंगे तो बाजार में क्या होगा क्रय विक्रय होगा अगला काफ़ी होती है तो काफ़ी एक प्रकार की जो झाड़ी होती है तो किस प्रकार की झाड़ी होती है या कैसे स्थान पर ये पाई जाती है तो ये उष्ण कटबंधी और झाड़ी होती है ठीक है सी नंबर आपका होगा उष्ण कटबंधी झाड़ी आपकी होती है यहाँ पर कॉफ़ी अगला दिया है कि स्थाक स्थलाकृति अनुसूचित्र शीट्स प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निकली संगठनों में से किसकी है तो यहाँ पर शीट्स जो तैयार करता है वो कौन सा तैयार करता है तो यहाँ पर जवाब आपका होगा डी नंबर अर्थात यहाँ पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो होता है ठीक है भारतीय सर्वेक्षण एसओआई होता है वही यहाँ पर क्या करता है सीट्स यहाँ पर प्रोवाइड कर जो कि स्थलाकृति अनुसूचित की सीट यहाँ पर प्रकाशित करता है

सेकेंड से अगर इतनी रफ्तार नहीं रहती है तो हमारा क्या होगा कि एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर ग्रेविटी के अंतर्गत वो आपके वहीं पर ले रह जाएंगे ठीक है इस कारण से आपकी ग्रेविटी जो हमारी पृथ्वी से है तो वह गैल सम किलोमीटर की रफ्तार है अगला क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उत्तम है तो कपास की खेती के लिए जवाब होगा आपका ए नंबर अर्थात काली मिट्टी और काली मिट्टी आपकी विशाल चट्टानों के टूटने से बनती है काली मिट्टी जो होती है उसे रेगुण मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और कपास की खेती के लिए आपकी उर्व होती है आपकी काली ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साबुदाना जो एक भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग में आता है उसे प्राप्त किया जाता है तो जो साबुदाना खाते हैं ना व्रत जब होते हैं लोग साबुदाना का इस्तेमाल करते हैं तो वो कैसे प्राप्त करते हैं किस चीज़ से प्राप्त करते हैं तो ये प्राप्त करते हैं साइकस से ठीक है साइकस वृक्ष होता है उसी से ये प्राप्त करते हैं साबूदाना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है मोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में मोंगिया पत्तन ठीक है मोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में जवाब आपका यहाँ पर सही होगा बी नंबर अर्थात बांग्लादेश में आपका मोगिया पत्तन है ठीक है मोगिया पत्तन आपका कहाँ पर है बांग्लादेश में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला जो प्रदूषण होता है अर्थात गाड़ियों के धुएं से जो निकलता है उसमें क्या निकलता है कह सकते हैं कि आपका जो शीसा होता है यही हमारा जो होता है ये सबसे प्रदूषक होता है जो वायु वातावरण को प्रदूषण बना रहा है शीशा तेईस नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में वह कौन सा है जिसे पानी वसा तथा विभिन्न भी अपचय अर्थात कह सकते हैं कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब तेईस का जवाब होगा यहाँ पर ए नंबर अर्थात व्रक ठीक है व्रक ही होता है जिसे पानी वसा आदि चीज हमारे क्या होते हैं उत्सर्जित हो रहे हैं व्रक व्रक से ठीक है और इसका चौबीस नंबर आपका दिया है चौबीस कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है तो ग्रीन हाउस प्रभाव अर्थात यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग संबंधित है तो उसमें क्या होता है इसका जवाब तो यहाँ पर होता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव की वायुमंडली वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विसापन मतलब कि हो सकता है कि कार्बन के कारण यहाँ पर सी सही जवाब है कि कार्बन के कारण क्या हो रहा है कि हमारा वायुमंडल क्या थोड़ा सा गर्म हो रहा है अर्थात सौर ऊर्जा का विपासन हो रहा है तो आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा और लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर जो अंतिम क्वेश्चन है वन आच्छादन के कम होने का कारण क्या है तो वन आच्छादन कम हो रहे हैं इसका रीजन क्या है तो यहाँ पर जवाब क्या होगा आपको सी नंबर जवाब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बढ़ती हुई आबादी ठीक है बढ़ती हुई आबादी वन आच्छादन के कम होने का कारण है अच्छा इतना क्वेश्चन आया तो एक कमेंट करके बताना है सबसे ज्यादा वन प्रतिशत के हिसाब में किस राज्य पर है सबसे ज्यादा वन प्रतिशत की हिसाब पर कहाँ पर मतलब किस राज्य पे ज़्यादा है आपको कमेंट करके बताना है ठीक है यहाँ पर हम ऑप्शन आज आज आपको नहीं देंगे लेकिन आपको डायरेक्ट बताना है प्रतिशत के आधार पर वन हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो फ्रेंड्स ये रहे आपके ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन और इसके पहले भी हमारे यहाँ पर प्ले बनी है आपके एग्जाम के लिए तो आप उन, उनको भी फॉलो कर लीजिए अर्थात प्ले में जाइए और पूरे प्रैक्टिस लगा डालिए और साथ में हम दोआवा सीरीज जैसे ही आएगी तो उसको भी हम आपको कंप्लीट कराए देंगे तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत